हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा एंड वेलकम बैक टू निशा फैशन। आज मैं बनाने वाली हूं मसाला मैगी। वैसे तो मैगी बनाना बहुत ही सिंपल होता है, हर किसी को आता है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में मसाला मैगी बनाऊंगी, वो भी टेस्ट मेकर के बिना ही। वीडियो को एंड तक देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं मसाला मैगी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने मैगी में नमक डाल के पहले से ही बॉईल कर लिया है। हमें चाहिए एग, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर एंड वेजिटेबल्स में हमें चाहिए कोरिएंडर लीफ, कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज, ऑनियन एंड ग्रीन चिली। तो यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, तो चलिए अब देख लेते हैं कुकिंग प्रोसेस। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, अभी मैं इसके ऊपर 2-3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। आप चाहे तो सनफ्लावर ऑयल भी डाल सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी कैप्सिकम। कैप्सिकम को थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। अभी मैं ऐड करूंगी कैरेट्स, इसको भी फ्राई कर लूंगी। कैप्सिकम एंड कैरेट पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले ही डाल दिया है। अभी मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी ऑनियन। अभी मैं अनियन को भी थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। अभी मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी ग्रीन चिली। ग्रीन चिली ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी कैबेज। कैबेज पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही फ्राई करूंगी। सारे वेजिटेबल्स को एक साथ मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट। अभी मैं सारे वेजिटेबल्स को एक साथ मिक्स कर लूंगी और साइड में कर दूंगी। अब इसी साइड में मैं डालूंगी एग। मैंने 2 एग लिया है, मैं 2 प्लेट मैगी बना रही हूँ। अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर। अभी इन सारे मसाले के साथ एग्स और वेजिटेबल्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जब ये सारे वेजिटेबल्स और मसाला एक साथ अच्छे से मिक्स्ड हो जाए, मैं इसमें ऐड करूंगी पहले से बॉईल किया हुआ मैगी। अभी इन मैगी के साथ मैं सारे वेजिटेबल्स को एक साथ मिक्स करूंगी अच्छी तरीके से। इस टाइम गैस का फ्लेम हाई रखना चाहिए। अभी मैं लास्ट में ऐड करूंगी कोरिएंडर लीव्स, फिर अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, ये मैगी हो गया है। अभी मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ। नाउ मैगी इज रेडी टू सर्व। तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला मैगी बहुत ही इजीली और कुछ ही मिनटों में बनके तैयार है। मैगी बच्चों को तो पसंद है ही, लेकिन इस टाइप के मसाला मैगी बनाएंगे तो बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। आप भी घर में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये टेस्टी एंड क्विक रेसिपी पसंद आए
तो लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, उससे मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।